नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी संस्कार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है, तो आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। हम बातचीत करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पर, यानी कि जीने का अधिकार। जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का या आम नागरिक कह लीजिए, सभी के जीवन से संबंधित है। उनके क्या अधिकार हैं उससे संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 21 में इस बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, परंतु आज भी आम जनता नहीं जानती कि उसके अधिकार क्या हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, या फिर उनके उल्लंघन पर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहां जाना चाहिए अपनी शिकायतें लेकर, इस बारे में नहीं जानती। तो इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सार्थक श्रीवास्तव जी, जो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और मुख्यतः सिविल एवं संवैधानिक कानूनों के विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड डीएसपी श्री नरेश शर्मा जी, जिन्हें शासन की ओर से उनके सेवाकाल में उत्कृष्ट सेवा और सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा पुरस्कार दिए गए हैं शासन के द्वारा। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत स्वागत है आपका। और हमसे बात करने के लिए इसी कड़ी में मौजूद है हमारे स्टूडियो में देवांशी शर्मा जी, जो फाउंडर हैं गो एग्रो की और एडिटर भी हैं। तो आइए देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फंडामेंटल राइट्स पर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट प्रभात यादव जी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट में वकालत करने के साथ साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सार्थक जी, आप हमें बताइए कि जीने का अधिकार है क्या? राइट टू लाइफ जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, ये सबसे ज्यादा आज तक का अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इंटरप्रेटेड आर्टिकल है जी। इसका इतना विस्तार मीनिंग है कि इसकी एक लाइन में डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। तो लीगली जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अगर मैं उसको कोट करूं, तो इसकी डेफिनेशन, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये एक लाइन में अपन बता देते, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन इतने वास्ट हैं कि लाइफ, सबसे पहले जो अपन बोलते हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, लाइफ का क्या मतलब होता है? लाइफ का क्या मतलब सिर्फ जीना और मरना है कि लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी, है ना, तमाम चीज़ें। पर्सनल लिबर्टी अगेन बहुत बड़ी बात है कि क्या पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फिजिकल ओरा तक लिमिटेड है कि आपको, अगर आपको कोर्शन या वैसा नहीं करे तो सिर्फ वही पर्सनल लिबर्टी है, ये भी नहीं है ना। एंड अगर ये सब में इंफ्रिंजमेंट कोई कर भी सकता है, तो इट कैन ओनली बी डन बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसलिए राइट टू लाइफ एक लाइन में तो नहीं बोला जा सकता, इसके इतने सालों में इतने इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। तो ये अपन लोग ये समझ सकते हैं कि एक इंसान को, और अच्छा, ये एक ऐसा राइट है जो अपने सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये बहुत वैसी बात है। और अपन लोग इसको इस तरीके से देखें कि एक नेचुरल ह्यूमन राइट जो इंसान को इंसान जैसे जीने की सोशली, फिजिकली, मेंटली जो स्वतंत्रता देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं नरेश शर्मा जी की ओर। सर, आप हमें बताइए ह्यूमन राइट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाया। राइट टू लाइफ के बारे में अभी सार्थक श्रीवास्तव जी ने जैसा बताया, मैं इसमें थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। राइट टू लाइफ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दी ही नहीं गई है। वास्तव में जो पार्ट थ्री है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट थ्री का राइट टू फ्रीडम एक चैप्टर है, वहाँ पे सेक्शन, वहाँ पे जो आर्टिकल है 21, उसमें राइट टू लाइफ के बारे में लिखा गया। राइट टू लाइफ की कॉन्स्टिट्यूशन में नेगेटिव परिभाषा है। तात्पर्य यह मेरा कहने का कि उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राइट टू लाइफ क्या है। उन्होंने ये कहा कि वह मनुष्य के जीवन की वो सब गतिविधियां जो कानून के द्वारा आबद्ध नहीं की जा सकती, जिसको कानून के लॉ के द्वारा जिसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता, वो सब अधिकार अगर अन्यथा रोके जाए, कानून के अलावा अगर उनको रोका जाए,
तो वो इलीगल है। केवल कानून में जो प्रावधान है उसी के आधार पर आप किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके जीने के अधिकारों में इनकाउंटर करते हैं। जैसे हम इनकाउंटर, इट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन वो चूंकि कानून में उसका प्रावधान है, कैसे प्रावधान है कि हमने किसी पे, पुलिस ने या प्रशासन ने या गवर्नमेंट ने किसी पे कोई अवार्ड घोषित किया, वो बहुत ही दुर्दांत डकैत है या क्रिमिनल है, उसको इनकाउंटर करना, उसको इनकाउंटर अगर करते हैं तो वो उसका, हम उसके राइट टू लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बिकॉज ये वो हमारे लॉ में है। तो लॉ में अगर जो चीज़ें हैं, लॉ से अतिरिक्त हम किसी के भी जीवन के किसी भी अधिकार को मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वास्तव में राइट टू लाइफ नाम का भी कोई आर्टिकल नहीं है, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में अब आप देखते होंगे कई बार कि कई बार पेपरों में पढ़ा कि धारा, ये हमारे दोनों एडवोकेट्स बैठे हैं यहाँ पे, कि कई बार लिखते हैं कि सेक्शन 309 असंवैधानिक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करना असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग फाइल जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अटेम्प्ट टू सुसाइड इट इज नॉट इलीगल, चूंकि जीने का, जीने मरने की इच्छा तो स्वाभाविक है, कई बार लोगों की इच्छा होती है, कई बार कई लोगों की, कई फैमिलीज की, मैंने अपने 34 साल की लाइफ में देखा कि लोग सुसाइड कमिट करने की टेंडेंसी होती है। दुर्भाग्यवश फैमिली में किसी एक व्यक्ति ने सुसाइड किया तो देखेंगे आप कि कई अंतराल के बाद में उस फैमिली के उस जीन से रिलेटेड किसी अन्य व्यक्ति ने भी हेरिडिटिकली उसमें सुसाइड कमिट किया, तो एक टेंडेंसी होती है, किंतु उसको रोकना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने 309 धारा 309 IPC में एक सेक्शन अप्लाई की। फिर ये भी कहा गया कि 306 IPC भी इलीगल है, जो सुसाइड कमिट करने के लिए जो प्रोवोकेट करते हैं, जो किसी को प्रोत्साहित करते हैं आत्महत्या कारित करने के लिए। तो ये भी कहा गया कि नहीं, आत्महत्या तो ठीक है, जीने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन राइट टू डाई का हमारे यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है। जो राइट टू डाई नहीं है वो राइट टू लाइफ है। तो ये मैं कहना चाह रहा था केवल कि ये नेगेटिव परिभाषा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। बहुत सारे उदाहरण हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है सेक्शन आर्टिकल 221 कि इस पर घंटों कहा जा सकता है। तो वो सब चीज़ें जो मनुष्य को कानून के अतिरिक्त उस पर एप्लीकेबल की जाएगी, उसको फोर्सफुली रोका जाएगा, उसके किसी मार्ग में जाने का रास्ता रोका जाएगा। मार्ग में जाने का रास्ता इसलिए रोक देते हैं कि VIP का मोमेंट है या उधर कोई खतरा है तो आप मत जाइए उस तरफ, और कानूनी तौर पे अगर रोकते हैं आप तो दैट इज़ नॉट इंटरफेरेंस इन दी फ्रीडम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। किंतु इसके अतिरिक्त जाके अगर आप कुछ करेंगे तो राइट टू लाइफ में आपका हस्तक्षेप होगा, और हस्तक्षेप संविधान में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो प्रभात यादव जी से हम जानना चाहेंगे कि सभी को स्वच्छ वातावरण मिले, क्या ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है? प्लीज, तो एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले, इसके लिए ये भी राइट टू लाइफ में ही इंक्लूड होता है। इसका ये मतलब है कि हर व्यक्ति को देश में एक क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छे उसको वातावरण का राइट है, अच्छा पानी पीने का राइट है, अच्छे वातावरण में सांस लेने का राइट है, और ये सारी चीजें हैं और इक्वली सबके लिए है। तो अब देवांशी शर्मा जी से हम पूछना चाहेंगे कि वुमेन्स हैव टू राइट टू इक्वल पे, इसके बारे में आपके विचार क्या है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लॉ है दैट वुमेन्स हैव द इक्वल राइट टू पे। जी, आप कहीं भी वर्कफोर्स में आप कहीं भी काम करते हैं तो जेंडर बाइसेस होकर या जेंडर बेसिस पर किसी की भी सैलरी निर्धारित करना इज टोटली रॉन्ग। मगर मैं इसमें एक और पॉइंट है जो मैं इलेबोरेट करना चाहूँगी, जेंडर इक्वालिटी या फिर फेमिनिज्म या राइट टू पे, ये जितने भी हैवी वर्ड्स हैं ये वी नो, हमें इसका सो कॉल्ड पता है कि ठीक है ये ऐसा है, ये इसका मतलब जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है, राइट टू पे का मतलब ये है। मगर मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की डेट में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ शब्दों में या फिर सिर्फ और सिर्फ बुक्स में है? बिल्कुल। अगर मैं जेंडर्स की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, तो कितनी फीमेल्स हैं जो वर्क करती हैं, जिनकी सैलरी ड्रॉ होती है, बट दे डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंस कि जाके आप लोन अपने हिसाब से ले लो या आप अपने मर्जी से कार खरीद लो। दे हैव टू आंसर, अगर वो सैलरी भी ड्रॉ कर रही हैं तो दे हैव टू गिव कि ठीक है ये हमारी सैलरी है, इसमें मेरा इतना खर्चा हुआ, मतलब वो जो अधिकार है वो आज भी
मेल्स के ही हाथ में है जी, पूछना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा, आपको घर में पूछना पड़ेगा, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, शादीशुदा नहीं हो तो आपको अपने पापा भाई इनसे पूछना पड़ेगा कि मैं ये सैलरी कहाँ खर्चा करूँ या मैं जो भी इनकम कर रही हूँ वो मुझे कहाँ पर स्पेंड करनी है। सेकेंडली मैं ये जानना चाहूंगी जितने भी बैंक्स हैं या जो लीगल है या जो भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी में क्लब्स चलते हैं, देयर आर सो मेनी क्लब्स जो फीमेल क्लब्स हैं, फीमेल ओरिएंटेड हैं, अगर मैं उन क्लब्स की भी बात करूं तो दे डू वेरियस एक्टिविटीज इको के लिए, प्लांटेशन ड्राइव्स ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कितनी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि एज अ विमेन मैं बैंकिंग को समझूं, मैं UPI ID क्रिएट करना समझूं, मुझे NEFT आनी चाहिए, मुझे RTGS करना आना चाहिए। कितनी फीमेल्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर है बट दे डू नॉट हैव दिस, ये अथॉरिटी ही नहीं है या दे डू नॉट हैव दिस नॉलेज कि RTGS कैसे करना है, NEFT कैसे करना है, बैंकिंग में कैसे करना है, क्या मुझे लोन मेरे बिना किसी नॉमिनी के या बिना किसी उसके मिल सकता है। सो राइट्स बनाना, राइट्स पे इम्प्लीमेंटेशन करना, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, अलग बात। इसमें मैं लीगली पूछना चाहूंगी कि लीगल सेक्टर्स में ही कितने ऐसे लॉयर्स हैं जो अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस के अलावा अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं इस तरह का जी। अब तो बताइए आप सिद्धार्थ जी, जैसे कि हम लोग देखिए महीने में एक बार राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए ऑनलाइन जूम मीटिंग पे अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं जी। समय समय पर बहुत सारी महिलाएं भी जुटती हैं, मालवा बहुत सारे लॉयर्स अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि शायद वो अपने काम का अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते हैं, बट अपने लेवल पे हर एक वकील पूरे हिंदुस्तान का कहीं 10% 20% जो अपना टाइम है वो अवेयरनेस के लिए लगाता ही है, जिस भी विषय में उसका इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो इंटरेस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन में हो, चाहे राइट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो, या फिर लीगल एड होते हैं वुमेन्स राइट्स के लिए होते हैं, पर हर व्यक्ति अपना अपना पार्ट करता ही है। पिछले 16 साल वी हैव, आई वांट टू नो दैट डू वी हैव एनी लॉ बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया कि इफ इफ अ वुमेन इज ड्रॉइंग एनी सैलरी और इनकम दैट शी इज इंडिपेंडेंट टू स्पेंड इट व्हेयरएवर शी वांट्स टू, डू वी हैव एनी सर्टेन लॉ फॉर दैट? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है हर व्यक्ति, नो इफ सी आई एम 100% श्योर कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इफ समबडी वांट्स टू, जैसे कई डोमेस्टिक वायलेंस, हाफ ऑफ द केसेस डोमेस्टिक वायलेंस की इसी वजह से होते हैं। मैं अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, हमारे घर में मेड्स हैं या इस कैटेगरी की बात करूं, उनकी सारी सैलरी या लेबर्स है, ऑल व्हाटएवर दे अर्न इट इज टेकन बाय देयर बाय द मेड पार्टनर, तो इसके लिए क्या देर आर एनी लॉज कि नहीं वुमेन शुड हैव दिस अथॉरिटी दैट शी इज इंडिपेंडेंट टू स्पेंड इट? नहीं, मैं इसके संबंध में जी बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है, हम अगर आर्टिकल 14 देखें, आर्टिकल 14 में लिखा है कि हम किसी को भी उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके कार्य करने के आधार पर उसको विभाजित नहीं कर सकते। उसमें फ्रीडम ऑफ, देखिए जो आर्टिकल 16 है, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहीं क्लासिफाई नहीं किया कि आप ये महिला को सर्विस देंगे या पुरुष को देंगे। इवन आप मिलिट्री में देखिए कमीशन मिल रहा है लेडीज को, है ना, कमीशन नॉट ओनली कमीशन, पहले ऑर्डिनेंस में कमीशन मिलता था, अब आर्टिलरी में भी जा रही है, वो आर्मी में भी जा रही है, एयरफोर्स में तो हम देख ही रहे हमारी लड़कियाँ बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ा रही हैं, उनकी जो अर्निंग होती है, आपका प्रश्न ये है कि क्या वो अर्निंग पे उनका खुद का अधिकार होता है या उसका पति उसको कैसे लेता। मेरे घर में फॉर्चुनेटली सब महिलाएं भी काम करती हैं, है ना, ये भी मेरा परिवार है, ये लोग भी सब काम, मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से बैंक में पैसा रहता होगा। एक जनरल बात जरूर है कि जहाँ पे अब देखिए 21A में राइट टू एजुकेशन भी दिया गया, राइट टू क्या जरूरत पड़ गई अमेंडमेंट करने की, राइट टू एजुकेशन की क्या आवश्यकता पड़ी, राइट टू एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो फीमेल है, हमारी जो महिला है, वो भी एजुकेटेड हो जाए। अब एजुकेटेड होने का ये तात्पर्य भी नहीं है कि हम अपने मेल पार्टनर से शेयर ही ना करें। नहीं, शेयरिंग इज अनदर पार्ट, बट व्हाट आई वांटेड टू से इज कि अवेयरनेस कैंपेन कितने इस तरह के होते हैं, जैसे अगर मैं जनरल में भी बात करूं
तो क्या हमारी मदर्स को उन्हें फोन पे यूज करना या गूगल पे यूज करना या पेटीएम यूज करना ये आता है? देखिए मैं जैसे अपना एक पर्सनल मतलब चालू तो मैं इससे करूंगा कि मेरे घर पे तो मेरी वाइफ ही यूज करती है, मुझे तो बिल्कुल अपने प्रोफेशन से और कुछ कुछ जो मेरी हॉबीज उनसे नहीं मिलता है, तो ये फाइनेंशियल साइड तो वही देखती है। मैं आपका जो जो अपने कानून में जो लिखा गया है और उसका एप्लीकेबिलिटी, आई जस्ट ट्राई टू कवर इट अप इन दिस, मैं आपको शायद आपका इससे क्वेरी क्लियर हो। तो अपना जो आर्टिकल 14 है ना, ये दो भाग में आप इसको समझ सकते हैं, उसके फर्दर तीन डिवीजन है। जैसे एक होता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सबसे पहले तो ये कहता है कि बिफोर लॉ, मतलब ये इनका कि लॉ इज सुप्रीम टू ऑल, चाहे आप क्लर्क से लेके प्रेसिडेंट तक हैं, अगर वो कानूनन कुछ चीज गलत करेंगे तो दे विल बी ट्राइड इक्वली, ये लिखा गया है। एप्लीकेबिलिटी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड एक होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होती है जो आर्टिकल 14(1) होता है, इट्स अ नेगेटिव डेफिनेशन, एंड आर्टिकल 14(2) होता है, इट्स अ पॉजिटिव डेफिनेशन। जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो कहती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट क्या है कि नो पर्सन इज ग्रेटर देन लॉ, जैसे मैंने आपको बताया एवरीवन इज इक्वल। और सेकंड जो होती है वो होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस पे एरिस्टोटल का एक बहुत फेमस सेइंग था कि ये कहता था कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। अब इसका क्या तात्पर्य है इसमें, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन इंग्लिश कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दोनों ही अपनी जगह सही है। क्लासिफिकेशन की जो अपन बात करते हैं, जैसे कि आप बोलो कि इनके दो, एक परिवार के दो बच्चे हैं, है ना, एक 5 साल का है एक 12 साल का है, नहीं दोनों को इक्वली ट्रीट करना है ना, कि इसकी भी खुराक इतनी तो इसकी भी इतनी होनी चाहिए, इज इट पॉसिबल? अब अगर आप बात करेंगे कि जैसे एक वर्क प्लेस में है तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, इस पे कैसे तात्पर्य होगा? तो एक परफेक्ट एग्जांपल है, व्हेन इट कम्स टू सैलरी, जैसा आपने बोला ऑफ कोर्स दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, बट अगर मान लीजिए एक लेडी को अगर रात को एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ रहा है, या फॉर एग्जांपल अपने लॉ में भी अगर उनको कुछ अरेस्ट करना है, तो क्या मेल पर्सन उसको अरेस्ट करेगा? नहीं। तो इसमें कैसे मतलब आप इंटरप्रेट करो, इसमें कोई अगर ऐसा बुद्धिजीव आ जाए अरे नहीं नहीं तो सबको एक साथ ट्रीट करना, तो लॉ एक प्रूडेंट पर्सन इज हाफ नोज हाफ द लॉ, मतलब एक बहुत फेमस है, आप प्रूडेंसी से अगर आप चलेंगे तो ये डिबेटेबल चीज नहीं होती है कि एक महिला है तो अगर दोनों सेम रैंक के हैं सब है तो सैलरी ऑफकोर्स सिमिलर होंगी, बट कुछ कुछ प्रोविजंस डिफरेंट, वो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन में भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा मोटिव है, और वो वही रीजन है कि कोई भी कंट्री चलती है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो ये है, ये हो गया एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये सॉरी ये हो गया दी सब्सटेंटिव लॉ जो अपनी कंट्री का है। नाउ इन प्रैक्टिस, जैसा आप बोल रहे थे कि वेदर विमेन मतलब इनका कोई लॉ है कि नहीं, नहीं ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोहिबिटेड भी नहीं है। ये जो है ये कस्टमरी और सोशल बीमारी है जो पेट्रियार्की के नाम पे जो चली जा रही है, ये कोई लॉ, अगर मान लीजिए ये चीज जैसे आप बोले कि वो अपने पति को बताती हैं, बताना पड़ता है ये सब, इस चीज का अगर आप उग्र एक रूप देखें तो ये विवाद होगा और ये कोर्ट केस में आ जाएगा, जिसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम मैट्रिमोनियल केसेस कर सकते हैं जो हम लोग डील करते हैं। तो इसलिए ये रोक सकती हैं, तो एक कस्टमरी या जो एक बिलीफ चले आ रही है दे आर आंसरेबल, नो दे आर नॉट आंसरेबल, इस व्हेन सिंस ऐसा कोई लॉ ही नहीं है तो इसके अगेंस्ट पे क्या लॉ होगा कि उनको ऐसा कुछ वो है ही नहीं, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन इन लॉ। ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग, दे आर बाउंड टू, है ना, इट्स लाइक सेइंग कि आप अगर हवा ले रहे हो तो उसका क्या कानून है, ऐसा तो दे आर डेफिनेटली नॉट अलाउड टू आंसर एनीवन, बट ये सब चीजें होती हैं तो वाद विवाद होते हैं, फिर डिवोर्स और तमाम चीजें होती हैं। अवेयरनेस नहीं है, हाँ अवेयरनेस के नाम पे मैं क्या है, हम लोग के जो लॉ फ्रेटर्निटी में ना, जैसे बाय बार काउंसिल रूल्स वी एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, करेक्ट, तो ये चीज में, और अच्छा, और मेरे को एक चीज पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ ये है कि आप क्यों नहीं स्कूल डेज में यू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ वेर यू टीच एवरीवन अ बेसिक लॉ, मतलब ये आई बिलीव दिस शुड बी देयर बाय 12th, दे शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक लॉज एटलीस्ट। तो ये सब चीजें रिफॉर्म्स अपन ला सकते हैं, प्रचार प्रसार के नाम पे आजकल अपन यूट्यूब और इन सब में लोग टाइप करके अपना वो कर सकते हैं, हाँ, बट डेफिनेटली आई एग्री विद दिस कि ये प्रचार प्रसार कम किया जाता है, दे शुड बी मेड अवेयर,
एंड मेरा सबसे अच्छा जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करो, इसमें बेसिक लॉज एटलीस्ट इंसान को अपने हिस्से के पता हो। जी सार्थक जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बताइए कि जीने के अधिकार के अंतर्गत एक आम नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? जैसे मैं आपसे बताया था जी, इसको पिन पॉइंट, जैसे कि सर ने बताया, इसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि क्या नहीं है जी। तो वैसे तो आप समझ लीजिए 14-15 किस्म की चीजें रहती है इसमें, कि राइट टू हेल्थ है ना, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब आपके एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और इस पे इसके कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि क्या चीज आपके इसमें नहीं आती है। जैसे अपने भारतीय संविधान के अनुसार आप खुद की लाइफ ले नहीं सकते एज पर लॉ, ये एक लिखित चीज है, प्रोसीजरल में एंड बहुत सारी चीजें रहती है। सेकेंडली एक आता है राइट टू प्राइवेसी, है ना, कि आपके एक प्राइवेट प्राइवेसी, एक प्राइवेट लाइफ का आपका अधिकार है, उसमें कोई इन्वेड नहीं कर सकता है जी, है ना। राइट टू एनवायरनमेंट, जैसा कि सर बता रहे थे, और कब कोई किस स्थिति में ये सब राइट्स टेम्परेरी रोके जा सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें से जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जहाँ पे ये चीज़ें आप रोकी जा सकती हैं, जहाँ पे इन्फ्रिंज होती है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या इसका दायरा है। बिकॉज राइट लाइफ बहुत वास्ट है, हर एक चीज में, चाहे आपका एक लाइवलीहुड हो, आप घर पे रह रहे हैं, या एजुकेशन, है ना, मतलब जो जितना याद आ जाता है, एक प्रूडेंट पर्सन एक ह्यूमन लाइफ के जीने के लिए जी जरूरी है, वो राइट टू लाइफ में कवर सारी कवर होती है। ओके, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी साथा जी, बिल्कुल। जो आपने बोला है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, उसमें आई वॉन्ट टू नो कि आजकल जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इवन अलेक्सा, एंड अगर हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, वी हैव ऑब्जर्व दिस दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके बाद अगर हम अपना गूगल ऑन करते हैं फोन पे, तो वी कैन एक्चुअली सी द रेफरेंसेस देयर। सो ये जो प्राइवेसी है, इसके लिए अगर हमारे पास आता है नोटिफिकेशन, वी एक्सेप्ट द नोटिफिकेशंस, करेक्ट, बट व्हाट आफ्टर दैट जी? तो जब भी आप एक फोन परचेज करते हैं, आप एप्स इंस्टॉल करते हैं, तो आपने कभी भी उसके पूरे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पढ़े? नहीं पढ़ते। वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स ड्राफ्टेड इसमें आपका कैमरा से लेके माइक्रोफोन तक में आप परमिशन देते हैं। और आजकल क्योंकि इतनी आवाजें उठी थी इस टॉपिक पे, तो आजकल दो ऑप्शंस आ गए कि आपको हमेशा उसको परमिशन देनी है कि जस्ट इस बार के लिए देनी है, ये चीज होती है। तो क्या चीज है, जैसे लिखा सब कुछ गया है, है ना, पर जितना आप लिखित में सब चीज देते हैं इन लॉ, तो अगर सब कुछ लिखित से इतना क्लियर हो जाता तो इस दुनिया में वकीलों की जरूरत क्यों पड़ती जी? बिल्कुल। पीपल प्ले इन बिटवीन लाइन, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स जो ड्राफ्ट होते हैं, जिसमें आप ही उनको परमिशन दे रहे हो, एंड दे आर एक्सेसिंग योर माइक्रोफोन 24/7, तो दे प्ले इट वेरी वेल ऑल दीज बिग कंपनीज। सो अगर आप उसको सू करने जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करना ये चीज एक बहुत अपने आप में बात है, उसके बाद अगर प्रूफ करके आप सू करने भी जाएंगे, तो जो आपके जो आप टिक जो आप खुद अग्री करते हो अपना फिंगरप्रिंट और फेस आईडी देने के बाद, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सू देम। मैं सार्थक ने भी जो दो बातें की है, मैं उनको दोनों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक तो पहला प्रश्न ये था कि आपके क्या क्या अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी मनुष्य के, किसी मानव के क्या क्या अधिकार हैं। जैसा अभी हमने बताया और इस बात से सभी सहमत भी हैं कि राइट की, राइट टू लाइफ की नेगेटिव डेफिनेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जो दुर्घटना हुई हमारे जनरल साहब के साथ में, तो जहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है, जहाँ मिलिट्री का लॉ लगा दिया जाता है, वहाँ हमारे सब अधिकार सीज हो जाते हैं, फिर हमें कोई राइट नहीं है, इवन वी कैन नॉट गो देयर। हम आराम से उस वो इलाका जहाँ पे घटना हुई है साउथ में, वहाँ घूमने के लिए आम जगह थी वो, किंतु चूंकि वहाँ घटना हुई, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया, तब तक जब तक की जांच ना हो, वहाँ हमारे जाने का कोई अधिकार नहीं। इसी प्रकार
अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल लॉकअप में हो या जुडिशियल कस्टडी में, तो उसके सब अधिकार सीज हो गए कि वो बाहर नहीं जाएगा यार। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आपके पास आना चाह रही थी कि सभी जानना चाहते हैं कि पुलिस थाने में आम नागरिकों के क्या अधिकार है। पुलिस थाने में आम नागरिकों के तमाम अधिकार है। अब दो प्रकार के आम नागरिक है वहाँ पुलिस में। जी बिल्कुल। एक तो वो है जो कस्टडी में जी, जो एक्यूज है, जो अभियुक्त है जी बिल्कुल, और दूसरे वो है जो कंप्लेनेंट है, जो हमको रिपोर्ट करने आ रहे हैं। तो जो रिपोर्ट करने आ रहे हैं उनके लिए तो सब अधिकार सुरक्षित है जो आर्टिकल 21 में दिए गए। इवन आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है वो भी सब अधिकार उनके लिए सुरक्षित है। अब एक और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि हम 12 से 35 तक, 12 से 35 तक के राइट टू फ्रीडम है। 12 और 13 में तो ऐसा कोई अधिकार वर्णित है नहीं, लेकिन हमने उसको 12 को उसमें शुमार किया जी। इस राइट टू फ्रीडम में 12 को इसलिए संलग्न किया, इसलिए सम्मिलित किया उसमें कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई कि स्टेट क्या है, तो स्टेट में पुलिस भी है जी, पुलिस भी है। मुझे ये बोलते हुए गर्व हो रहा है कि पुलिस भी गवर्नमेंट है ना, स्टेट है वो, क्योंकि वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में जितनी चीजें जो हमारे पार्लियामेंट के अधीनस्थ हैं, जो राज्य में, स्टेट में, प्रदेश में विधायिका के अधीन है, वो सब स्टेट है। तो वहां पे जो कंप्लेंट करने आ रहा है उसके तमाम अधिकार सुरक्षित हैं। पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है, और हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। वहाँ कोई जाति बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, कोई लिंग का बंधन नहीं, कोई भी आके वहाँ रिपोर्ट कर सकता जी, मैं पूछना एक्चुअली इस हाँ, अब आपका आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप चाह रहे थे कि जो कस्टडी में उसके लिए क्या अधिकार है जी। हमारे पास में जो एक्यूज आता है डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको फिर भारत संघ पे पूरा लागू किया गया। डी के बसु ने एक पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में जी। वहाँ फिर उनकी पिटिशन पे जो भी निराकरण हुआ उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत बम्पर रूलिंग जारी की। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, उन्होंने उस पॉइंट्स को दिया। हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं जी। सबसे पहले उसे हम बताते हैं गिरफ्तारी का कारण क्या है जी। हमने आपको क्यों गिरफ्तार किया, फिर हम उसको बताते हैं कि ये अपराध आपने जो किया है ये जमानती है, इसमें हम आपकी बेल ले सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को बुलाओ हम उसकी बेल पे आपको छोड़ देंगे जी। या फिर हम उसे बताते हैं कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हम आपको बेल नहीं देंगे जी। आप सार्थक साहब को बुला लीजिए, उन्हें फोन कर दीजिए, आपके वकील साहब को, यादव साहब को आप फोन कर दीजिए कि आपको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जी। फिर हम उसके रिश्तेदार को एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं, ये बिल्कुल सही है, भेजते हैं जी, बिल्कुल। एक लेटर लिखते हैं उसको कि हमने आपके फला फला व्यक्ति को थाना कोतवाली के अपराध का मांग फला में फला धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी। और हम उसको 11 तारीख को, अगर आपने आज 11 को गिरफ्तार किया, हम उसको 11 तारीख को गिरफ्तार कर रहे हैं और हम 12 को उसको पेश करेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हमको 24 घंटे के भीतर एक्चुअली उसको अदालत में पेश करना है। अदालत में पेश करने के पहले उसका मेडिकल कराते हैं जी, मेडिकल परीक्षण करवाते हैं, ये भी उसका राइट है। मेडिकल, हम उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो मना कर देगा कि हम नहीं देंगे फिंगरप्रिंट जी, तो ये उसका राइट है कि वो मना कर देगा। अच्छा अच्छा। लेकिन फिंगरप्रिंट से संबंधित जो भी एविडेंस होगी वो उसके अगेंस्ट जाएगी, फिर वो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता अदालत में। हम उसका फोटो लेना चाहते हो कि मैं फोटो नहीं कराऊंगा, अपना मत कराइए, लेकिन आपके फोटो से संबंधित जितने भी एविडेंस होंगे कोर्ट में वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। उसका मेडिकल कराना है, उसके रिश्तेदारों को बताना है, उसको पुलिस अधिकारी जो उससे पूछताछ करेगा वो बाकायदा अपनी नाम पट्टी का लगाएगा जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखी होगी। अगर वो गुजरात में रहता है तो इंग्लिश में और गुजराती में लिखी होगी जी, जी। अगर वो पंजाब में रहता है पुलिस वाला है तो पंजाबी इंग्लिश में और गुरमुखी में होगी। अच्छा। उस रीजनल लैंग्वेज में, उस स्टेट की लैंग्वेज में प्लस इंग्लिश में उसकी नाम पट्टी का। इसमें मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि एक लॉ बोलता है कि विमेन को अगर कोई विमेन अरेस्ट होती है तो उसको सनराइज से मतलब के बाद सनसेट से पहले आप मतलब नहीं कर सकते हो अरेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैं आर्टिकल 21 पे आऊंगा। आर्टिकल 21 में कस्टडी के बारे में भी लिखा हुआ है जी, और आर्टिकल 21 में की वजह से ही महिला पुलिस की पोस्टिंग हुई है। फरतक साहब मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्या उसमें अगर कोई फीमेल साथ में है, अगर कोई फीमेल कांस्टेबल है तो क्या हम उसको सनराइज से? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। हाँ। उसमें एक तो कस्टडी के बारे में बताया कि आपको आप अगर किसी महिला को कस्टडी में लेते हैं
तो प्रावधान है कि महिला पुलिस ही आपके पास जाके उसको कस्टडी में लेगी, नंबर वन। नंबर टू, आपके थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे आप, पर्टिकुलर उस महिला को जहां आप कस्टडी में रखें वहां सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय के पूर्व अर्थात रात्रि में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी इन जनरल केसेस। लेकिन कोई सीवियर ऑफेंस है, किसी ने बम प्लांट कर दिया है और रात में उसके भाग जाने की पूर्ण युक्तियुक्त संभावना है कि अगर हम रात को इस महिला को गिरफ्तार नहीं करेंगे अनाम की महिला को, तो ये शी विल बी अफकॉन, वो अपनी उपस्थिति छुपा लेगी, वो साक्ष्य को धूमिल कर देगी, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी या कोई और ऑफेंस क्रिएट कर देगी। अगर रात में किसी ने 8 बजे कोई बम प्लांट किया है ना किसी प्लेस पे, और हम इंतजार करेंगे कि नहीं अब हम सुबह गिरफ्तार करेंगे, वो 10 बजे कहीं और बम प्लांट कर देगी, तो हम महिला स्टाफ को ले जाते हैं, पुलिस ले आएगी उसको, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये व्यवस्था है, कानून में भी व्यवस्था है, उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसको महिला थाने में रखेंगे, महिलाओं के प्रोटेक्शन में रखेंगे। कोई पुरुष पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी उससे रात्रि में कोई परिचर्चा नहीं करेगा, रात्रि में उसके साथ में उसके परिवार की कोई महिला अगर रहना चाहेगी तो उसे रहने की इजाजत दी जाएगी, रात्रि में ही उसके काउंसिल को एडवोकेट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वो एडवोकेट भी चाहेंगे तो अपने तरफ से किसी महिला की वहाँ उपलब्धता करा देंगे। ये महिलाओं के अधिकार भी है। जी बिल्कुल। अब मैं प्रभात जी से पूछना चाहूंगी कि क्या स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स में आता है? जी जी, सभी व्यक्तियों को क्लीन वाटर का राइट है, वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है। अच्छा। आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी ना केवल शारीरिक रूप से जी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, वह जीवन सम्मान पूर्वक एवं पूर्णता गरिमा युक्त होना चाहिए, और सम्मान पूर्वक और गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए जो भी चीजें लगती है, शिक्षा लगती है, एनवायरनमेंट लगता है, क्लीन वाटर लगता है, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है, तो ये सारे राइट पूरे उसमें क्लब किए गए फंडामेंटल राइट्स में आएंगे। भारत की आजादी के बाद इस आर्टिकल पे इतने सारे जजमेंट हुए हैं कि बहुत उसको विस्तृत कर दिया गया। बिल्कुल। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी इसमें क्लब किया है कि सभी व्यक्तियों को जानने का अधिकार है जी, सरकारें क्या करती जी, क्या दस्तावेज सरकारें यूज करती हैं, क्या योजनाएं जी। अब मैं मैम से जानना चाहूंगी कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है कंपेयर टू होल वर्ल्ड? इसमें मैं आपको मैं कुछ आपको विद सम रिसर्च बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कि जितने भी लॉज हैं हमारे पास, इतने दिग्गज लोग बैठे जी बिल्कुल लॉ से हैं, सर हैं, जितने भी लॉज हैं, जैसे सती प्रथा बंद हुई, डाउरी बंद हुआ जी, ये सारी प्रथाएं बंद हुई। इसके बाद हमारे पास लॉज है, एजुकेशन का लॉ है, हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, बट क्या हम इस बात को जानते हैं कि आज भी हमारे पास, अगर हम बात करें राइट ऑफ एजुकेशन की या राइट ऑफ वर्कफोर्स की, तो देर इज लाइक ओनली आप अगर राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो हमारे पास देश की सबसे मतलब लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, हमारे पास 2 राज्यसभा स्पीकर्स एज अ फीमेल वर्क कर चुकी हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, 16 चीफ मिनिस्टर्स आर फीमेल आज की डेट में, बट आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओनली 12% जो सीट्स हैं राज्यसभा में, ओनली 12% आर वर्किंग फॉर दी वीमेन, मतलब सिर्फ 12% ही प्रतिशत ही वीमेन उस पर वर्क करती हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ एंड विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अगर मैं एजुकेशन की ही बात करूँ तो ओनली 48% ऑफ फीमेल्स ने अपनी 5th क्लास तक की प्राइमरी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो कम्प्लीट कर ली है, ओनली 48%, जो कि अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट में देखें तो इंडिया बहुत 149th नंबर पे आता है जी, दैट फीमेल रेशियो। देन अगर मैं बात करूँ वर्कफोर्स की, तो वर्कफोर्स में क्योंकि हमारे पास मेल और फीमेल और सबसे बड़ा टॉपिक होता है अगर ऑफिस औरत जाएगी जी बिल्कुल, तो घर का काम कौन करेगा, विच इज अ वेरी विच हैपन सी प्रैक्टिकली, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि नहीं हमारे घर में नहीं कोई वो नहीं है भाई जाओ, बट जो प्रैक्टिकली होता है वो यही है, लेकिन इंडिया में मैम बाहर तो सब इक्वल है, बाहर पीपल हैव देयर ओन लाइफस्टाइल, दे हैव हेल्थ, दे हैव अदर थिंग्स टू डू, इसी उसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ क्योंकि ये एक मानसिकता है लोगों की, इसी वजह से सिर्फ 27% हम एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं विमेन को, हम सब कुछ दे रहे हैं, मगर सिर्फ
27% वर्कफोर्स आज की डेट में फीमेल है। मेजर चंक इज कवर्ड बाय, हम मेटर्निटी लीव देते हैं जी, बट वो मेटर्निटी लीव अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेटर्निटी लीव मिलती है, मगर वो मेटर्निटी लीव गवर्नमेंटली फाइनेंशियली एडेड नहीं है, वो कंपनी को देनी है। और अनकैटेगराइज या अन उसमें जैसे मेड्स हो गई होगी, कोई मेटर्निटी लीव नहीं होती इन लोगों के लिए, जनरल कैटेगरीज में नहीं आती है मेटर्निटी लीव। सेकंड, मैं ये भी बात करना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, राइट टू हेल्थ, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी लीव मिलती है आजकल। हाँ एग्जैक्टली, बाहर के देशों में अगर मैं फिनलैंड की या नॉर्वे की बात करूँ तो नॉर्वे में अगर आप हाउसवाइफ हैं और अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हाउसवाइफ को सैलरी मिलती है, दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट। जी जी, बच्चों की पूरी एजुकेशन फ्री है। पंजाब ने एक बहुत अच्छा करा है गर्ल चाइल्ड के ऊपर कि राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू पीएचडी जी एजुकेशन इज फ्री। So that is a very good thing that Punjab government has revived. That is very really appreciable. और इसमें ही आगे I would like to say, अगर हम health की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो आज basic necessity, जो एक औरत के लिए basic necessity है, use of sanitary pads, उस पर भी GST का law है, 12% GST law उस पर भी revived है। तो ये क्यों? अगर मैं सेफ्टी की बात करती हूँ, let's talk about safety, हमारे पास दुनिया भर के laws हैं, I'm sure लीगल वो भी हैं, और पुलिस इतनी साइबर सिक्योरिटीज ये वो फलाना सीसीटीवी, सो मेनी लॉज आर देयर सेफ्टी के लिए, गर्ल चाइल्ड लेबर, बट आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डेली 2000 लाइक इन अ डेली ऑन डेली बेसिस हमारे यहाँ औरत पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। जी बिल्कुल, 2000 आपका फीटस होता है। बिल्कुल, एंड अगर मैं रेप्स की बात करूं तो देर इज अराउंड 34,000 केसेस दैट कम्स एवरी ईयर जो जो नोटेड हैं, विच मींस दैट एवरी आवर देर आर 4 रेप हैपनिंग एंड इन एवरी 15 मिनट्स देर इज 1 रेप हैपनिंग, विच इज वेरी लाइक वी आर टॉकिंग एंड समथिंग इज हैपनिंग, सो वेर इज दैट सेफ्टी, where are those laws that we are talking about? तो मेरा मैं basic जो मैं बताना चाहती हूँ या जो मैं पूछना चाहती हूँ वो यही है, we are aware of the fact कि laws हैं, ये हैं, ठीक है, हमें पुलिस को रिपोर्ट करना है, हमें FIR करना है, अगर कोई हमारे वर्क फोर्स में हैरेसमेंट होती है तो दे गिव अस 3 months का टाइम है, आप रिपोर्ट कर सकते हो, बट वो 3 months तक वो औरत क्या करेगी? बिल्कुल, क्या वो अपनी नौकरी छोड़ के घर पर बैठ जाए या वो हैरेसमेंट रोज बर्दाश्त करे? तो why इतना लैगिंग क्यों है? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने कि वो 3 महीने बहुत मुश्किल हैं, वो क्या करेगी? हाँ, तो घर बैठेगी जी, बिल्कुल, like what is she gonna do? 3 months do with, has she leave like has to have a leave the job and sit back और वो continuously वो harassment बर्दाश्त करे? Women cell, if we talk about women cell, आपकी corporate social responsibilities में आता है in all the HR डिपार्टमेंट, जितने भी कॉर्पोरेट बड़े सेक्टर्स हैं या छोटे सेक्टर्स भी हैं, मगर क्या उसका चेकअप होता है जी? क्या छोटी छोटी संस्थाओं पर जो ये लॉ बनाया है कि अगर आपके यहाँ फीमेल काम कर रही है तो यू नीड टू हैव अ फीमेल सेल जी, क्या वो एक्चुअली में वर्क करता है? उसकी रिपोर्टिंग्स कैसे होती हैं? जी मैं आपको यहीं रोकूंगी क्योंकि वक्त हो चला है थोड़े से ब्रेक का, और ये चर्चा जारी रहेगी, और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे ब्रेक के बाद कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं, आपने क्या सोचा है, क्या लगता है आपको? उपाय देल टेल, दे हैव टू आस्क, दे हैव टू टेल जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आइए अब हम बात करते हैं सार्थक जी से एक बार फिर कि जीने के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसके क्या उपाय हैं? देखिए ये अगेन आपके किस किस्म के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब अलग अलग सबके प्रोसेस। यस,
अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रहता है, मतलब एक मोटा मोटा अगर अपन समझें तो उसके सिविल राइट्स हैं। क्रिमिनल का होता है तो उसके लिए अपनी आईपीसी, सीआरपीसी, तमाम चीजें हैं, पुलिस स्टेशन आपका एक प्रोसीजर होता है, आप एफआईआर करते हैं, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट पे कंप्लेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कुछ आपका उल्लंघन होता है, जैसे सर्विस मैटर्स हो जाते हैं जिसमें आपका मान लीजिए पेंशन रुक जाता है या कुछ भी इस तरीके का, तो उसकी कोर्ट में रिट पिटीशन होती है। तो अगेन आपका जो बोलना है बहुत वास्ट है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अपनी एक्ट्स बनी है। जैसे हम कहते हैं अलग अलग एक्ट्स अलग अलग चीजों से डील करती हैं, तो इस बेसिस पे तमाम जितनी भी अपनी भारतीय कानून बने हैं, जितनी भी एक्ट्स बनी है, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट का मामला हो, पुलिस क्राइम का मामला हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनी है। तो अलग अलग जो चीजें जिस नेचर ऑफ ऑफेंस, जिस नेचर ऑफ ट्रबल में आप फंसेंगे, अगर सिविल नेचर का है तो उसका एक अलग प्रावधान है, क्रिमिनल है तो अलग प्रावधान है, ऐसा रहता है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि पुलिस प्रताड़ना के विरुद्ध आम जनता को क्या अधिकार दिए गए? कि फिर यही कहना चाहेंगे हम कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, इन सब में आप प्रताड़ना का तो कोई प्रताड़ना जैसी कोई बात है नहीं कहीं। कोई भी प्रताड़ित करेगा तो कानून के, नो मैन इज अंडर द लॉ एंड नो मैन इज ओवर द लॉ, पुलिस भी कानून के बाहर नहीं है। अगर पुलिस के की कस्टडी में किसी के साथ प्रताड़ना होती है या आम जगह पे पुलिस किसी को प्रताड़ित करती है, पर पुलिस का डर तो है सर जनता, पुलिस का डर तो है, पुलिस का डर तो होना चाहिए। हाँ। मैं बड़ा विरोधाभासी बात कह रहा हूँ कि अगर कानून का भय नहीं होगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भय होना चाहिए, कानूनी भय। कानून का भय कानूनी होना चाहिए। जी, मैं करेक्ट करूंगी कि पुलिस की छवि ऐसी है। पुलिस की छवि के बारे में मैंने अभी एक कर्नल साहब का किस्सा सुनाया ब्रेक में, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। पुलिस के कॉन्टेक्ट में समाज के केवल 2% लोग आते हैं। उन 2% लोगों में थाने आने के पहले ही 1% पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1% कंप्लेंट होते हैं, 1% एक्यूज होता है। एक्यूज तो पुलिस के खिलाफ हो ही जाता है, पहले से उसे मालूम है कि अब पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, तो वो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचना चाहता है। जो 1% व्यक्ति हमारे पास आते हैं, पुलिस के पास जो व्यक्ति आते हैं, वो 2 प्रकार की रिपोर्ट करते हैं, या तो वो संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट है, कॉग्निबल ऑफेंस है, या नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध। पुलिस हर प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करती। कानून में ऐसा प्रावधान है कि हम इन्हीं केसेस में हस्तक्षेप करेंगे। जिन केसेस में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है उसके लोग नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार 2% में से 1.5% लोग हमसे, पुलिस से वैसे ही नाराज हो जाते हैं, और वो 1.5% लोग इतना प्रोपोगंडा करते हैं कि पुलिस की छवि खराब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस का हर व्यक्ति साफ पाक होता है। पुलिस के, हाँ मैंने, आप देखिए, मिसिंग टाइल सिंड्रोम पढ़ना पड़ेगा आपको। एक भी टाइल अगर मिसिंग हो जाएगी कहीं से तो अलग से दिखाई देगी। सब वर्दी पहने हुए खाकी वर्दी में, एक व्यक्ति भी गड़बड़ करता है तो अलग से दिखाई देता है, उसको लेके समूची पुलिस व्यवस्था प्रश्नांकित हो जाती है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, मैंने 34 साल नौकरी की पुलिस की, पुलिस में 80% लोगों से ज्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी के 20% में से 15% लोग अच्छे हैं, शेष 5% में से 3% लोग साधारण है, 1-2% लोग गड़बड़ हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, 1-2% की दबंगताई की वजह से ही लोग डरे हुए हैं। भाई मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप क्षमा कीजिएगा, दबंगाई को भी मैं फेवर करूंगा, लेकिन वो दबंगाई कानून के दायरे में होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, प्रताड़ना तो होना ही नहीं चाहिए कदापि। कानून भयभीत होना चाहिए लोगों को, पुलिस से कानूनी तरीके से भयभीत होना चाहिए। रोज केसेस ऐसे हमारे सामने आते हैं, काफी केसेस आते हैं, यहाँ पर ये होता है कि रिपोर्ट लिखाने गई है महिला या रिपोर्ट लिखाने गए हैं लोग और वो प्रताड़ित होकर आ रहे हैं पुलिस से। नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ये भी कई शिकायत। अब पिछले 12-15 सालों से फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है थानों में। अब थाने में कोई भी किसी से भी, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैंने भी सुपरविजन अफसर के रूप में काम किया 7-8 साल, कोई नहीं पूछता कि आपने केस रजिस्टर्ड क्यों किया। सब ये चाहते हैं कि आपके पास कोई रिपोर्ट करने आया, उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, अगर कॉग्निबल ऑफेंस की रिपोर्ट है तो 154 में आप केस रजिस्टर्ड करिए सीआरपीसी में,
अगर नहीं है तो 155 सीआरपीसी की आप एफआईआर लिखिए और उसको एक कॉपी दीजिए और उसको हम समझाइए कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप सक्षम न्यायालय में जाइए। आपको क्या लगता है कि पुलिस की ये छवि जो बनी है इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है अंग्रेज। अच्छा, इंग्लिश टाइम्स है, रियली आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश टाइम्स से पुलिस की इमेज खराब है। धीरे 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 अब आप देखिए, कल तक के आप, अब मैं तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो त्यौहार तभी मनाए जाते थे जब मैं नौकरी करता था, कि जब मैं उसके लिए मुझे अवकाश मिलता था। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली कि होली का त्यौहार 3-4 दिन बाद मनाती थी मेरी कॉलोनी के लोग, कि भैया जब आ जाएंगे इनकी छुट्टी होगी तब कॉलोनी में हम त्यौहार। तात्पर्य यह कहने का कि पुलिस की छवि इतनी खराब नहीं है जितनी प्रचारित है, पुलिस की छवि अच्छी है। आज भी कोई भी महिला रात को कहीं जाना चाहेगी कहीं, तो वो पुलिस वाले को देख के प्रसन्न हो जाते कि जवान खड़ा है, मैं सुरक्षित। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है बिल्कुल। और अब हम आते हैं प्रभात जी की तरफ। तो सर हमें ये बताइए कि आप एक संगठन चलाते हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये सूचना का जो अधिकार राइट है जी, ये भारत की आजादी का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चित कानून है। इसके अलावा जितने भी लगभग 35,000 कानून है, वैसे कानून है जिनका परिपालन फॉलो करना पड़ता आम जनता। ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि आम जनता सरकार से पूछती है कि लिखित में ये क्या है। आप पूछ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कि ये काम कितने में हुआ है, ये वर्क ऑर्डर हमको चाहिए जी। और उसके लिए सरकारी व्यक्ति, जिसको हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं, बाउंड है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमने मांगा है। ये भारत का सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा अच्छा कानून है, आम जनता के लिए इक्वली है। पर दुर्भाग्यवश बस जो आंकड़े हैं कि भारत में सिर्फ 0.05% लोग इसका यूज करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे अधिवक्ता, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं, आम जनता इसका अभी भी कोशिश करती है। बहुत सारी वजह है कि इसका भी प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हुआ है, लोग नहीं समझते हैं कि इसको कैसे हमको लगाना है, क्या तरीका क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाने का, वो सब तो बहुत बड़ा है। तरीका ये है कि सिंपल एक आवेदन लें, जिस कार्यालय में लगाना उसका नाम लिखें, जो जानकारी चाहिए उसको पर्टिकुलर जो चाहिए उसी को लिखें कि हमको ये दस्तावेज चाहिए, और आप उसमें जो भी फीस है 10 रुपए का स्टाम्प, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टल ऑर्डर लगता है, स्टाम्प लगता है। परंतु सूचना का अधिकार अधिनियम आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे भ्रष्टाचार जो सरकार के सेंट्रल के स्टेट के बहुत सारे बाहर आए, तो इसके पहले जो कानून का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सरकार या विभाग जो भी करता है वो अपने दस्तावेज आम जनता को नहीं देता है, वो अपनी कानून का। ये आने के बाद तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, आम जनता के पास तो सरकार के पेपर आने लगे, नगर निगम के पेपर आने लगे, कलेक्टर के, पुलिस में भी हम RTA लगाने लगे, पुलिस में भी RTA, हर थाने में भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, पर दुर्भाग्य है कि आम जनता इसका यूज नहीं करती है। मेरा इस प्रोग्राम के माध्यम से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा यूज करें जी। हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, प्रशासन, पुलिस, जितने भी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे MLA हो, MP हो, उतने ही अकाउंटेबल और उतने ही एक्टिव होंगे। हम खुद ही निष्क्रिय हो जाते हैं तो उनकी जो चलता रहता है उनके ऊपर खुद ही मॉनिटर करें, ये देखें हमारे विधायक सांसद क्या प्रश्न पूछते हैं, हम उसको पढ़ें, उसका क्या इंटरेस्ट है, प्रश्न पूछने में किस विषय के पढ़ते हैं, थाने में जाके देखें कि क्या इनका बिहेवियर है पुलिस का, RTA लगाते रहें, जानकारी लेते रहें, और अपना सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते रहें। वक्त हो चला है और हमें अब रुकना होगा, लेकिन चलते चलते सार्थक जी से एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा आंसर आप दीजिए कि इच्छा मृत्यु जो है क्या राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है? शॉर्ट में अगर बोलूं तो नहीं, है ना, ये काफी चर्चा का विषय रहा है। और देयर वाज अ टाइम, मतलब एक बहुत ही फेमस केस था पी रथनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उस पे ये चीज मान ली गई थी कि हाँ भाई ठीक है अगर कोई बहुत परेशान है या कुछ, लेकिन ये चीज ओवर रूल हुई थी बाय ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस पे बहुत ही क्लियरली ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वेवर करने का अधिकार नहीं है। तो राइट टू लाइफ जो है, आपको जीने का पूरा अधिकार है, बट यू हैव नो राइट टू एंड योर ओन लाइफ, ये चीज बोली गई थी। पर और जैसा सर ने शुरुआत में जी अरुणा रामचंद्र शांता,
जी 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 बिल्कुल जी। अच्छा अभी जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को इच्छा जी जी मर्सी के लिए कह लीजिए जी मर्सी बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्व के लिए इच्छा बोलो, तो उनको उन्होंने दिया है 2011 में 11 या 12 उसको परमिट कर दिया ठीक है, सपोर्टिंग सिस्टम में होता है ये बहुत सारी बातें हैं जी जी सिस्टम वाइज ये स्टेट वाइज है एक्चुअली, जैसा सर ने बोला कि आप अगर उस कंडीशन में है तो वो हटा सकते हैं वेंटिलेटर, बट आप मार नहीं सकते जी, ये चीज मार नहीं सकते। हाँ, राइट टू डाई नहीं, आप अगर वो इस स्थिति में है तो आप वो चीज हटा सकते हैं, अगर कोई इम्प्रूवमेंट वो नहीं है, वो बहुत डिस्कशन के बाद, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते जैसे कि आपने कुछ पॉइजन या कुछ इन्फेक्ट कर दिया, ये चीज। तो समय की प्रतिबद्धता है और हमें अपनी परिचर्चा को यही विराम देना होगा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतने विस्तार से चर्चा की है। इसी तरह हम नए नए मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।